नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी ट्रक की सवारी करते हैं, कभी कुली बनकर बैग उठाते हैं। अब राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी के नाम से फेमस जयपुर की सड़कों पर स्कूटी की सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में खास बात यह रही कि एक महिला स्कूटी चला रही थी। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर पहुंचे थे, जहां सीएम अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी जयपुर की सड़कों पर स्कूटी की सवारी करते नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने किसान कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। राठौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी बार बार राजस्थान की यात्रा पर आए। राहुल गांधी की यात्रा जितनी बार राजस्थान में होगी, राजस्थान के किसानों को धोखाधड़ी की वो बात याद दिलाएगी। इसके साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस की आरसीपी को लेकर निकाली जाने वाली यात्रा को नौटंकी करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस के नए कार्यालय भवन और गांधी वाटिका के लोकार्पण पर जयपुर पहुंचे थे। राहुल के दौरे पर खूब बीजेपी ने बवाल किया। और आपको बता दें कि कर्ज माफी के वादे को लेकर भी सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी बार बार राजस्थान आए। राहुल गांधी की यात्राएं जितनी बार भी राजस्थान में होंगी, राजस्थान के किसानों को धोखाधड़ी की वो बातें याद आएंगी जिनकी बातें राहुल गांधी ने कही थी। और इतना ही नहीं, राठौड़ ने तो ये भी कहा कि जितनी बार वो आएंगे किसान उतनी ही गुस्से में इस सरकार को नेस्तनाबूद करने के प्रयास में रहेंगे, क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया है कि जब पटवार संघ ये मांग करने लगा कि जमीन नीलाम की रोडा एक्ट में काम किया, किसान की सरकार के खाते में एनपीए में राशि नहीं है, ऐसे में राहुल का दौरा आभासी साबित होगा। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी राजविका और नरेगा कर्मियों को पाबंद किया गया है। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।